कर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत युयुत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वति संजय। ये धर्मक्षेत्र वो मान गए, ये कुरुक्षेत्र जो है वो धर्मक्षेत्र है, क्योंकि ये जो लड़ाई हो गई अधिकारों की हो गई, जहां मेरे भी पुत्र हैं और पंडु के भी पुत्र हैं, और प्रत्येक का एक स्वभाव है। यहां पर दुर्योधन भी है, दुशासन भी है, विकर्ण भी है, शकुनी भी है, और पांच पांडव भी हैं। नमस्कार। इस व्यासपीठ पर उपस्थित श्रद्धांत भैया, मदन मोहन जी, तिवारी जी, मिश्रा जी, नीलोत्पल मृणाल जी, आप सबको भी नमस्कार। सामने उपस्थित सारे अध्यापक गण और इस न्यू नॉर्मल कोरोना काल के डिजिटल एज में बैठे सारे अर्जुन जो सामने बैठे हैं, आप सबको नमस्कार। मैंने जानबूझकर इस मंच को व्यासपीठ कहा, क्योंकि ये शिक्षा का संस्थान है, और हम महर्षि वेद व्यास को एक पूर्ण ऋषि एवं महर्षि मानते हैं, ज्ञान के अधिष्ठाता, ज्ञान का प्रचार प्रसार सही रूप में कलयुग के लिए कैसा हो, ये जिन्होंने महाभारत रचते हुए लिखा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, उन्होंने रचा, साक्षी थे उसके। और महाभारत वो कथा है जो कलयुग के लिए सब सर्वाधिक उपयुक्त कथा है। हम में से प्रत्येक के जीवन में कोई ना कोई दुर्योधन है, कोई ना कोई शकुनी है, घरों घरों में भाई साहब ने ऐसे कर दिया है, कोई और पांचाली की खोज है सबको। मैं मुझे एक दिन किसी ने पूछा था, यहां पर काफी बात हुई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की और फॉरेन यूनिवर्सिटीज की वगैरह, होता क्या है कि हमने तो हमेशा बाहर से जितना अच्छा देखा उसको सराहा, उसको अपनाने की इच्छा जताई, लेकिन पाश्चिमात्य देशों में ये बहुत कम देखने को मिलता था। जब 20-25 वर्ष पहले मैं कुछ समय के लिए वहाँ थिएटर करने के लिए रहने लगा था इंग्लैंड में, तो वहाँ एक किसी मित्र के घर में, अंग्रेज थे वो सारे, जब ये चर्चा चली कि क्या आप अपनी अच्छी यूनिवर्सिटीज को गिना सकते हैं जहां हम अपने बच्चों को भेजें आज की तारीख में, तो शब्द नहीं मिले। नाम केवल वही आए, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा, तक्षशिला, जहां पर पूरे विश्व से लोग आकर वहां पढ़ाई करते थे, चिंतन करते थे। और अब जब कौटिल्य अकादमी के कार्यक्रम में आने की बात उठी, तो दोबारा से आर्य चाणक्य की सारी छवि, उनके विचार, उनके ऊपर मैं चिंतन कर रहा था गत 24 घंटों से, कि ऐसा क्या हो रहा है कि हम इस देश में चंद्रगुप्त मौर्य नहीं बना पा रहे हैं, एक नवीन व्यवस्था को नहीं बना पा रहे हैं। आज भी भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की राजनीतिक व्यवस्था, ये गणराज्य व्यवस्था, ये चाणक्य की, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से ही निकलती है। जो सिस्टम बना हुआ है, तब राजा था, अब प्रधानमंत्री है या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, लेकिन जो गणराज्य व्यवस्था है, गवर्नर सिस्टम है, वो बिल्कुल पंचायती राज तक लेकर वहां तक अंतिम छोर तक कौटिल्य की अर्थशास्त्र से निकली हुई व्यवस्था है।
क्या हमने इनमें कोई अनुसंधान किया? तो मैंने कई सारी बातें बताई उनको। तब उनका एक प्रश्न ये आया किसी का कि क्या कोई आपके पास इतना बड़ा दर्शन है इस देश में, क्या कोई एक किताब है जो आप कह सकें, जैसे हम लोग बाइबल को मानते हैं, इस्लाम कुरान और हदीस को मानता है, कोई एक किताब है जो आप कह सकें कि यदि ये हम जिए तो जीवन सफल हो जाएगा, धन्य हो जाएगा, यश प्राप्त कर लेंगे? तो मैंने उनसे ये कहा कि ये आपका आग्रह क्यों है सदियों से, मिलेनियम से पाश्चिमात्य देशों का यही आग्रह रहा है कि जो हमारा है वैसा तुम्हारा कुछ है क्या? और सदियों से आपके लोग दर्शन ढूंढने के लिए मेरे ही देश में आते थे, क्योंकि जो मेरा है वो सीखकर आपका बना है, तो ये आग्रह क्यों है? मेरे पास एक किताब है, मैं बताऊंगा, लेकिन वो निचोड़ है पचासों किताबों का। वेद है, पुराण है, ब्राह्मण है, तत्वबोध है, विवेक चूड़ामणि है, आदि शंकराचार्य जी का साहित्य है, बहुत कुछ है। उस सबसे निकला हुआ निचोड़ है भगवद गीता। स्वयं स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, इन सब के चुने हुए पुष्पों का गुलदस्ता है भगवद गीता। यदि हम भगवद गीता में से कुछ पुष्प चुन लें और उनको आत्मसात करके आचरण में उतारने का प्रयास करें तो जीवन सफल हो जाएगा। भाग्य की बात की नीलोत्पल भाई साहब ने, पुरुषार्थ की भी बात की। हम वेदांती हैं, वेदांत फेट को नहीं मानता, डेस्टिनी को नहीं मानता, किसी चीज को नहीं मानता, वो प्रारब्ध को मानता है, प्रारब्ध। वो प्रारब्ध क्या होता है? भाग्य प्लस पुरुषार्थ है प्रारब्ध। भाग्य में आपके बहुत कुछ लिखा होगा, लेकिन यदि आपने पुरुषार्थ नहीं किया तो वो भाग्य फलित नहीं होता, और जब वो भाग्य फलित हो जाता है तो उसी को प्रारब्ध हम कहते हैं। इसलिए बात सही है कि आज आप सब स्टूडेंट्स जो हैं, आज एक स्वप्न लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे भाग्य में यूपीएससी, एमपीएससी, एमपीपीएससी सब कुछ है, मैं बड़ा अधिकारी प्रशासक बनना चाहता हूं, सब कुछ है। अवश्य पुरुषार्थ कीजिए, पुरुषार्थ के बगैर कुछ नहीं प्राप्त होता। पुरुषार्थ अवश्य कीजिए, लेकिन यदि आपका नंबर नहीं आया, एक बार, दो बार, तीन बार, जितना आपको अवसर सरकार देती है, सोचना बड़ा आवश्यक है कि यह मेरा नंबर क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरा प्रारब्ध यहां नहीं है, पुरुषार्थ मुझे कहीं और करना है। ये मेरे साथ हुआ इसलिए कह रहा हूं। मेरे भी मन में आया था जब मैंने 12वीं कक्षा पास की थी कि मुझे पशु चिकित्सक बनना है। मैंने शिक्षा भी प्राप्त की, पशु चिकित्सक बना, कुछ समय के लिए काम भी किया, लेकिन आनंद नहीं आ रहा था, अंदर से आनंद नहीं आ रहा था। जितना काम कर रहा था आनंद आ रहा था, लेकिन ऐसा एक क्षेत्र की यहां मैं आजीवन सेवा देता रहूं, ऐसा मुझे नहीं लगा। और जब तक आप ऐसा क्षेत्र नहीं चुनेंगे, उसका चयन नहीं करेंगे, तब तक आप उसमें, आपको रस नहीं आएगा जीवन का। तो मैंने जो कला का क्षेत्र है वो चुना और अब उसका आनंद ले रहा हूं, उसके माध्यम से लोगों से बात कर रहा हूं। भाई साहब ने बात कही थी मर्म की, कि मर्म होता है, हर चीज का एक मर्म होता है। वैसे मैं सोच रहा था कि मानवीय संबंधों का मर्म क्या है, क्योंकि हमारा समाज
इससे थोड़ा थोड़ा दूर जाता दिखाई दे रहा है, इसलिए संबंध टूट रहे हैं। पहले जमाने में संबंध जितने दृढ़ हुआ करते थे उतने आज दृढ़ नहीं दिखाई दे रहे हैं। और मैं केवल इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, भारत की भी बात कर रहा हूं। भारत में भी संबंध शिथिल होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि संबंधों का मर्म है विश्वास और प्रेम। जहां वो कम पड़ जाता है संबंध शिथिल पड़ जाते हैं। उसी प्रकार से यदि आपको यूपीएससी में जाना है, प्रशासक बनना है, एमपीपीएससी में जाना है, जो भी आपका कर्म वहां पे करना है, इस सब का मर्म क्या है इसको समझिए और उस मर्म को कभी मत भूलिए। इन सब का मर्म मेरी दृष्टि से है सेवा। इसलिए इन सब प्रशासकों को पब्लिक सर्वेंट कहा जाता है। ये सब पब्लिक सर्वेंट हैं। जिस प्रकार से राजनीति के जितने लोग हैं वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव और पब्लिक सर्वेंट हैं, सारे ब्यूरोक्रेट्स भी पब्लिक सर्वेंट हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे मित्र हमने देखे हैं जो इस वस्तुस्थिति को, इस मर्म को यूपीएससी क्लियर होने तक याद रखते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। क्योंकि वो जो पावर मिल जाती है प्रशासक की, वो आपको भंवर में डाल देती है और आप धीरे 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 सेवा को भूलते जाते हो। इसलिए इस मर्म को कभी मत भूलिए। और यदि आपको ऐसा लगता है कि यहां नहीं चुन पाया तो कुछ और ढूंढिए। मैंने जितना जीवन देखा है या सीखा है जीवन से, वो मेरे पाठ्यक्रम से नहीं सीखा है। पाठ्यक्रम एक फॉर्मेटेड एजुकेशन है कि मैं इसको पास कैसे करूं, एक बेसिस है। जीवन की शिक्षा जीवन के स्कूल में मिलती है। ऐसा कोई स्कूल मैं नहीं जानता वो पूरे जीवन की शिक्षा आपको एक पाठ्यक्रम में दे दे। और जीवन एक ऐसी पगडंडी है, एक ऐसा पथ है जहां पर गुलाब की पंखुड़ियां ही नहीं मिलती, हमेशा कांटे भी मिलते हैं और वो कांटे आवश्यक हैं। वो इसलिए आवश्यक है, जब दर्द होता है तो मनुष्य सोचता है। भाई साहब ने कहा ना, भगवान के विषय में भी उन्होंने कहा, हम मूर्ति पूजक हैं लेकिन हम वेदांती जो हैं वो सगुण साकार से निर्गुण निराकार तक जाते हैं। भगवान हमारे लिए सगुण भी है, निर्गुण भी है, निराकार भी है। और हम तो मानते हैं अहम ब्रह्मास्मि, तो भगवान स्वयं आपके भीतर है। उसको जानना, परखना, उस भगवान की कौन सी कला आप में है अधिक मात्रा में, उसको पहचानना और उस कार्यक्षेत्र में रत हो जाना, यह एक जीवन की कला है। और उसके लिए मर्म जानना बहुत आवश्यक है। मुझे गीता का हमेशा लोग पूछते हैं कि कौन सा श्लोक आपको सबसे अधिक पसंद है, तो ऐसा कहना बहुत मुश्किल है। जब मेरे जीवन में उतार चढ़ाव आए तो कोई नहीं सोचता, उतार आए तो गुरुओं के पास भागते हैं। तो मैं भी तब जवान था, मैं अपने गुरु के पास भागा। गुरुजी ने कहा कि क्या चाहिए, समाधान चाहिए। तो अब तक तो तुमने डायलॉग बोले हैं कृष्ण के, अब उनकी गीता को जीना सीखो। ये कुछ 25 वर्ष पहले हुआ और तब से मेरी आंखें खुल गईं। जीवन में जो घटित हो रहा है उसमें ही पूरा ज्ञान है, उसमें ही मर्म है जीवन का। भाई साहब ने इसीलिए जब कहा ना, वो शिक्षा संस्थान गांव गांव में क्या स्थिति है, मैं जब जमशेदपुर से सांसद था वो चित्र मेरे सामने आ गया।
आदिवासी वनवासी क्षेत्र का सारा चित्र जब मैं घूम रहा था अपने संसदीय क्षेत्र में, चार दीवारें हैं, ऊपर छत नहीं है। भैया ये क्या है? ये पाठशाला है। दूसरे गांव में जाओ, चार दीवारें हैं, छत है, अंदर बैठने की जगह नहीं है। तीसरे गांव में बैठने की जगह है तो गुरु नहीं है, शिक्षक नहीं है। इस देश में करने लायक बहुत कुछ है। आप सब युवा एक उद्दिष्ट को लेकर, ध्येय को लेकर जो चल रहे हैं, जो स्वप्न देख रहे हैं, मैं जानता हूं कि आपके प्रत्येक के मन में यह एक इच्छा है कि समाज को बदल दूं। समाज केवल सेवा से बदलेगा और किसी चीज से नहीं बदलेगा। और निरंतर सेवा देते रहना, निरंतर समाधान खोजते रहना, क्योंकि समस्या को आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा इस देश में। आप पग पग पर आपको समस्या सामने आएगी, बोलेंगे हेलो नमस्ते, मेरी तो ये समस्या है, यहाँ आरटीपीसीआर के किट्स नहीं है, यहाँ पे वो मेडिसिन नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। समस्या तो पग पग पे मिलेगी। इसलिए आज भी कई सारे जो इंटर्नशिप करने वाले डॉक्टर्स होते हैं ना विदेशों के, वो कुछ समय के लिए इंटर्नशिप करने भारत आते हैं। इसलिए क्योंकि यहां पर एक ही जगह पे उनको बहुत सारी समस्याएं हेल्थ की दिखाई देती हैं, और इतना अनुभव उनको वहां पे पाश्चिमात्य देशों में नहीं मिलता। तो यहां तो समस्याएं समस्याएं हैं, समाधान खोजना और वो दृष्टि आवश्यक है जिसके लिए आप यहां पर आए हैं। इसलिए जब धृतराष्ट्र पहले ही श्लोक में कहते हैं ना, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेत युयुत्सव माम कहा पांडवाश्चैव किम कुर्वती संजय, ये धर्म क्षेत्र वो मान गए, ये कुरुक्षेत्र जो है वो धर्म क्षेत्र है, क्योंकि ये जो लड़ाई हो गई अधिकारों की हो गई, जहां मेरे भी पुत्र हैं और पंडू के भी पुत्र हैं, और प्रत्येक का एक स्वभाव है। यहां पर दुर्योधन भी है, दुशासन भी है, विकर्ण भी है, शकुनी भी है, और पांच पांडव भी हैं। ये समाज का रूप है। आज भी लवकुश भी हैं, आपको भी मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। तो इस समाज में कैसे जिया जाए, क्या कर रहे हैं ये लोग, ये जो शुरुआत है और एक अंतिम श्लोक है, उसके बीच में गीता है। अंतिम श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। जहां जहां योगेश्वर कृष्ण है, योगेश्वर कृष्ण क्या है? मार्गदर्शक हैं, पथ प्रदर्शक हैं, वो आंखों में अंजन डाल देंगे, आंखें जलेंगी, क्योंकि ऐसा गुरु आपको वो संतुष्ट करने के लिए नहीं बैठा है, वो आपकी आंखों में अंजन एक नई दृष्टि देने के लिए बैठा हुआ है। जहां ऐसा गुरु हो, और जहां यत्र पार्थो धनुर्धर, जो धनुर्धर है उसमें सारी विद्या है, लेकिन वो समर्पण भाव से युद्ध खेल रहा है। ये समर्पण भाव बहुत आवश्यक है जीवन में, जिसको मैं सेवा भाव कहता हूं। जब तक समर्पण नहीं आता यहां हृदय में, महात्मा गांधी जी की नैतिकता हृदय में जो भाई साहब ने बोली वो वही है। जब तक वो समर्पण हृदय में नहीं है, सेवा जन्म नहीं लेती। जब तक अहंकार है मन में और हृदय में, चित्त में, सेवा जन्म नहीं लेती। इसलिए ये आपका और ऐसा जब मिलन होता है कृष्ण और अर्जुन का, तब जाकर जो विजय प्राप्त होती है वो ध्रुव अटल होती है, ध्रुव होती है और निरंतर निश्चित काल तक रहती है। इसलिए यदि अपने जीवन में कुछ कर दिखाना है, कर जाना है, जिसके कारण जीवन के अंत में हमको एक जन्म साफल्य का एक एहसास हो, अनुभूति हो कि हाँ मैंने जन्म मुझे दिया था भगवान ने, या मैंने लिया था और वो जन्म मैंने सफल करके दिखाया, एक समाधान
ये नहीं कि बस जिए जा रहे हैं क्योंकि मृत्यु नहीं आ रही है। ये नहीं कि पैसे के लिए जी रहे हैं, पैसा, ऐसे कई उदाहरण हैं। खास करके मैं आप लोगों से कहूं, क्योंकि प्रलोभन आते हैं जीवन में, जहां समाज स्थान दे देता है आपको, समाज का एक वर्ग जो है वो प्रलोभन भी लेकर आता है। राजनीति के माध्यम से मैंने उन प्रलोभनों को देखा। कल को आप प्रशासक बनेंगे, आपके सामने भी प्रलोभन आएंगे, लेकिन फिर वो गीता वही कहती है, यत यत आचरति श्रेष्ठः तत् देवे तरो जना, सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। जैसा जैसा आचरण श्रेष्ठ पुरुष का होगा, जो जनमानस है उसका अनुकरण करेगा। और मैं तो कहता हूं, ऐसे ऐसे लोग पिछले 20-25-30 वर्षों में हम लोगों ने टेलीविजन मीडिया में इतने भ्रष्टाचारी लोगों को देखा है, उनमें से कई लोगों को मैं जानता हूं, और उनके घर में जो धांधली है उसको भी जानता हूं। आप जब कुछ गलत काम कर रहे होते हो, आपका बच्चा उसको देख रहा होता है। आप प्रशासक बनने जा रहे हो, आपके सामने प्रलोभन आने जा रहे हैं, आपके बच्चे उनको देखेंगे, आप क्या कर रहे हो उसको देखेंगे, और आपके बच्चे उस गलत मार्ग पर चलेंगे जिस पर आप चल पड़े। इसलिए प्रशासक क्यों बनना है यह सबसे पहले तय कर लीजिए, और मेरा सुझाव यही रहेगा कि सेवा भाव को मत छोड़िए। सेवा करते करते चलेंगे तो जीवन सफल ही होगा, समाधानी ही होगा, आपकी आत्मा अंत में समाधान प्राप्त करेगी, संतोष प्राप्त करेगी कि मैंने कुछ किया। जब आप किसी का काम कर देते हो, उसके मुख पर जो एक हंसी आती है, एक भाव आता है कि मेरा काम हो गया जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और पैसे से नहीं, अपनी ड्यूटी मानकर, अपना कर्तव्य मानकर, बहुत बड़ी चीज होती है। उसका कोई मोल नहीं है, उस हंसी का कोई मोल नहीं है, उस बंदे के संतोष का कोई मोल नहीं है। लक्ष्य सही हो तो जीवन सफल, लक्ष्य सही नहीं हो तो बड़े बड़े साम्राज्य आए और खत्म हो गए, बड़े बड़े साम्राज्य आए और खत्म हो गए। इसलिए आज आप एक दहली पर खड़े हैं, इस भाव को लेकर परीक्षा एक निमित्त है, उत्तीर्ण हो गए तो उस माध्यम से कुछ करना है, उत्तीर्ण नहीं हुए तो मेरा रास्ता कुछ और है, वहां प्रयास कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए, पुरुषार्थ का कोई विकल्प नहीं है, और वहां पर भी यही कीजिए, एक बहुत आनंद मिलता है। मुझे लगता है यदि एक सच्चा भाव मन में रखकर यदि आप ये काम करेंगे तो यश कहीं दूर नहीं है। और यश अंततोगत्वा एक सर्टिफिकेट में नहीं होता, यश भीतर के संतोष में होता है। धन्यवाद।